तो हनुमान जी को अनुकूल शारदा हुई, मगर हनुमान जी को बोलना नहीं था कि रावण के मुख से बुलाया और माँ का शुक्रिया किया। जात दान सुनी रावण बचना, लागे रथे मूंड सोई रचना। हनुमान जी कहता है मूंड मुझे जलाने निकला, क्या बात है। मगर हनुमान जी ने अद्भुत रचना की, अपनी पूछ को बढ़ाया। भगवान का विग्रह कितना बड़ा है, भगवान कितने बड़े हैं। एक शिव पंचाक्षर का एक श्लोक है, नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय, तस्मै नकाराय नमः शिवाय, तस्मै नकाराय नमः शिवाय। यह भगवान शंकर का एक नाम दिया गया। दिगंबर, नित्याय शुद्धाय दिगंबर। दिगंबर का अर्थ क्या होता है, जैन परंपरा का शब्द है कि श्वेतांबर और दिगंबर ऐसे दो फिरके हैं। तो हम ऐसे जनरली दिगंबर इसको कहते हैं जो वस्त्र नहीं पहनते, यानी कि हमारे सोमनाथ में ये गिरनार में भी परंपरा है, गिरनारी बाबा उसको नंगे बाबा बोलते हैं, नंगा बाबा बोलते हैं बड़े प्रेम से। तो जो वस्त्र नहीं पहनते उसको दिगंबर कहा गया। मगर दिगंबर की मूल भाषा, मूल व्याख्या ये है कि वस्त्र उसको पहना ही नहीं सकते, क्योंकि वो वस्त्र पहन नहीं सकते। दिग अर्थात दिशा, अंबर अर्थात वस्त्र, पीतांबर रतांबर, इसलिए मामा ने भी पीतांबर पहना। तो पीला रेशमी वस्त्र उसको कहते पीतांबर, रतांबर, श्वेतांबर। तो भगवान शंकर का, भगवान हनुमान जी महाराज का इतना देह विशाल है कि उसको दिशा के वस्त्र से उसको ढांकना पड़ता है। यदि उसको वस्त्र पहनाने हैं तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ईशान अग्नि वायव नैऋति ऊर्ध और मूल 10 दिशा से उसको ढाको, तब उसका विग्रह को हम कपड़े पहना सकते हैं। तो यहां हनुमान जी महाराज ने कौतुक किया, खेल किया, सब लोग आए पोछा लगाने लगे। वो कटका चित्रा जो भी घर में पड़ा था गीला था, तेल डालता था भीना करके, गीला करके करके लगाते थे, मगर हनुमान जी अपनी पूछ को बढ़ाते ही जा रहे। और यहां तुलसी देखते देखते थक गया, उन्होंने लिख दिया कि रहान नगर बसन ग्रत तेला बाड़ी पूछ किन्ह कपि खेला। ये तो कपि का खेल है साहब, पूरा लंका का वस्त्र खत्म हो गया, लंका का तेल और घी खत्म हो गया, ये तो मेरे हनुमान जी लल्ला का खेल मात्र है। ये लीला करने तो क्या कुछ होगा, खेल मात्र में लंका के वस्त्र और घी तेल समाप्त कर दिए। कहत कह आये पुरवासी, फिर सबको कौतुक हुआ कि बड़ा बंदर पकड़ा गया है जिन्होंने बहुत लोगों को मार दिया, रावण उसको दंडित करने जा रहा है। और रावण दंडित करने जा रहे हैं, उस बंदर को सजा हो रही है, तो सजा का मजा लेने के लिए, सजा को देखने के लिए सब पुरवासी एकत्रित हो रहे। ये राक्षसी लोग है ना, तामस तन कछु साधन नहीं, लंका निशिचर, निशाचरों का प्रदेश है, तो उनको ये पीड़ा कष्ट देने का देखने में मजा आता है। सब एकत्रित हुए और
गलती यहाँ पर ये लोग ये कर गए कि हनुमान जी बंधे हुए थे, पूंछ पे कपड़ा लपेटा हुआ था, गर्भ और तेल लगाया हुआ था, सब लंका के राक्षसों के बच्चे ने हनुमान जी का यहां द्रोह किया। मार ही चरण कर ही बहुहासी, यदि हाथ से मारते तो भी भगवान हनुमान जी को गलत नहीं लगता, मगर हनुमान जी को पैरों से मारा गया। हनुमान जी सोच रहे कि सात पीढ़ी में आपकी यह संतान नहीं बढ़ेगी। फिर उसका बड़बड़ा निकाला गया, पूरे नगर में घुमाया गया, बांध दिया। तो कैसे घुमाओ, तो थाली बजाओ, डिब्बा बजाओ, ढोल बजाओ, झांझर बजाओ, पखाल बजाओ, बाजे ही ढोल। और बच्चे लोग को मजा आ गई, तो बंदर को बांध के जा रहे, ढोल बज रहे, बच्चे लोग ताली बजा रहे। बाजे ही ढोल देही सब तारी, नगर फेरी तूनी पूछ प्रजा। मगर तुलसी कहते हैं कि ये लंका का कल्याण होने वाला है, संत को लेकर तालियां बजाते हुए, ढोल बजाते हुए लंका में हनुमान जी की परिक्रमा हुई। अद्भुत नजारा, ये परिक्रमा, ये प्रदक्षिणा खत्म हुई और पूछ को जलाया। पावक जरत देखी हनुमंता, पीछे देखा तो पूछ को जलाया गया। भय परम लघु रूप तुरंता, तुरंत छोटे हो गए। अब छलांग लगा के हनुमान जी महाराज ने क्या पराक्रम किया। नींबू की चढ़ेऊ कपी कनक अटारी, कनकटारी की सोने की वो लंका के द्वार के ऊपर, अटारी के ऊपर हनुमान जी महाराज छलांग लगा के चले गए। हनुमान जी महाराज ने वो पूछड़ा रखा, मगर सोना जलाने के लिए टेम्परेचर मोर देन 300 डिग्री चाहिए, आई थिंक सो। लोहे को जलाना है, सुवर्ण को जलाना है, तो डिग्री ये पूछ के अग्नि से जलने वाला। मगर आपने सोने की आदि का फूकनी होती है, मैनुअल जो सोने काम करते हैं ना, वो हवा मार के सोने को पिघल देते हैं। यानी यदि ये अग्नि के साथ हवा मिल जाए तो काम हो जाए, और पवन के प्रकार कितने हैं मालूम है, 49। एक पवन का 10% आता है ना, तो पिछले साल ह्यूस्टन में पानी भर गया था ना, 15 फुट पानी, ये 25% आ जाए एक का तो सुनामी कहलाती है। यहां आचार्य तुलसी कहते हैं कि हनुमान जी ने जैसे पूछ उस लोहे की और सुवर्ण की लंका की भीत के ऊपर लगाया, मगर लंका नहीं जली तो हरि प्रेरित ते ही अवसर चले मरुत उनचास, अट्टहास्य करी गरजा कपि बड़ी लाग आकाश। देह विशाल परम हर आई, मंदिर ते मंदिर चढ़ता नगर वालो कबिहाल, जपत लपत बहु कोटि कराल, तात मातु हासु नय पुकारा, एही अवसर को हम ही उबारा, हम जो कहा यह कपि नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई, साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर ऐसा, जारा नगर एक मान, एक विभीषण कर दुह नाही, ताकर दूत अनल जेहि सिर जा,
जरान सो तेरी कार में गिर जा, उलटी पलट लंका सब जारी, कुनी परा कुनी सिंधु मजारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी, जपत निरंतर हनुमान जी महाराज खुश। कुछ कमी लगी मगर जो अच्छे काम के लिए जो सच्चे काम के लिए जाते हैं उनको प्रकृति साथ दे। और ये अपना बच्चा सत्कार्य करने जा रहा है, शंकर का महल का अधिकार इस रावण को नहीं है, इस सोने का नहीं होना चाहिए। सोना की लंक को ध्वस्त करना है तो हनुमान जी ने पूछ लगाया तो अपने पिता पवन देव, पवन तनय बल पवन समान, तो 49 मरुत थे, 49 मरुत वो चले। 49 मरुत की कथा दीप्ति के गर्भ में जब राक्षस प्रकट हो रहा था तब इंद्र को भय लगा, कि उसके गर्भ से जो भी संतान होती है वो राक्षस होता है, तो उन्होंने वज्र को भेजा। शिव पुराण की कथा है, तारकासुर के पिता की माता दिति, दिति और कश्यप, तो इंद्र ने वज्र से उनके टुकड़े कर दिए, मगर गर्भ फलित हो चुका था तो 49 टुकड़े हो गए, 49, और 49 टुकड़े का जन्म हुआ वो स्वतंत्र मरुत बने और अपने को इंद्र के भ्राता मानकर इंद्र के साथ रहने लगे। ये मरुत देव 49 मरुत हनुमान जी की सहायता के लिए अग्रसर हुए और 100% उन्होंने अपना एफर्ट हनुमान जी के पीछे लगा दिया। वो यहां चक्रवात आता ना साइकिल, उसको क्या बोला टोर्नेडो, टोर्नेडो जहां जहां चलता है ना वहां जो घर होता है मकान होता है बिल्डिंग होता है पूरा झाड़ू लगाओ ना उसे साफ करके निकल जाता है। ये तो एक मरुत का 10-20% वाला, ये पूरा मरुत जहां पे हनुमान जी ने पूछ लगाई 49 मरुत चले, सोने की लंका साफ भर भर जलने लगी। और हनुमान जी महाराज ने गर्जना की, अट्टहास्य करे गर्जा कपि बड़े लाभ आकाश, आकाश से कूदते कूदते पूरी लंका में हनुमान जी महाराज चक्कर लगाते। देह विशाल परम हर आई, मंदिर ते मंदिर चढ़दाई। बंदर की प्रकृति है यहां से वहां कूदना, उनको तो मजा आ गया। यहां लगते 49 मरुत चलते पूरा ये मंदिर जलता है, यानी कि पूरा आलय जलता है, वहां से कूद कर दूसरे मंदिर ते मंदिर चढ़दाई। जरा नगर बालोक बिहार, पूरा नगर जलने लगा, लोग घर से बाहर निकले, भयभीत होने लगा। झपट लपट बहु कोटि करा, पूरी लंका आग की ज्वाला में आ गई। अब लंकावासी बोल रहे हे बा हे बाप तात मातु, हाँ सुनिए पुकार, हे बाप हे माँ, जब बर्बाद हो जाए हे माँ हे बाप, तो ऐसे लोग बर्बाद हो गए तो अपने माता पिता को हे बाप कहने लगा। तात मातु हा सुनिए पुकार, अबे हमने अभी हमको इस अवसर में से इस पराक्रम से इस संकट से कौन उबारेगा, यही अवसर को हम ही उबारा। फिर उनको लगा कि हमने जिस बंदर को लात मारी थी, जिसको हम घुमा रहे थे,
ताली बजा के ढोल बजा के वो बंदर नहीं था। हम जो कहा यह कभी नहीं कोई बानर रूप धरे सुर कोई। ये दिखने में कभी लगता है मगर ये कभी नहीं कोई देवता आया, मगर समझ में आया कब, अपराध कर दिया संत का, अपराध कर दिया, गलत हो गया, उसका दुष्परिणाम सामने आया, तब समझ में आया कि ये देवता है। अब सब लोग सत्यनारायण की कथा जानते प्रभु, व्रत पूजा। फिर पहले दिन शायद कहा था दोहराने में कोई दिक्कत नहीं, हम भूल जाते हैं अक्सर। तो साधना के बनिए ने भगवान की अनुभूति जेल में की, प्रभु को प्रार्थना की, प्रभु मुझसे गलती हो गई माफ कर। प्रभु ने सब कुछ दे दिया जब